Good morning, everyone. In the previous video, we have already started chapter Why Do We Fall Ill? And we have finished organ and tissue specific manifestation. In this video, we are going to study about principle of treatment. Principle of treatment जो होते हैं ये दो वेज से किए जा सकते हैं. पहला, to reduce the effect of disease. डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, अगर किसी को कोई डिजीज हो गई है तो इसको दो तरीके से ठीक किया जा सकता है. पहला कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको पहले वो रिड्यूस कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए. जैसे फीवर हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं कोई डिजीज के कारण, तो ये जो सिम्टम्स है, फीवर आना, जॉइंट्स में पेन होना, लूज मोशंस होना, पहले इनको कम कर दिया जाता है. फिर उसके बाद जब ये सिम्टम्स हट जाते हैं इफेक्टिवली, फिर उसके बाद जो डिजीज है, जो माइक्रोब्स है, उनको खत्म कर दिया जाता है. सो देयर आर टू वेज टू ट्रीट द इंफेक्शियस डिजीज. फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, एंड सेकेंड, टू किल द कॉज ऑफ डिजीज. पहले देख लेते हैं रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज कैसे हम रिड्यूस करते हैं. इट कैन बी डन बाई प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी लक्षण जो हो रहे हैं उसके ट्रीटमेंट करके हम डिजीज के कोई इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम विच विल यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. फॉर इंस्टेंस, वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग्स डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन. वी कैन ऑल्सो हैव बेड रेस्ट. हम आराम करके भी सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, टू रिड्यूस और कंजर्व आवर एनर्जी. दीज स्टेप्स विल एनेबल अस टू फोकस ऑन हीलिंग. हाउएवर, सच अ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट. लेकिन हम सिर्फ सिम्टम्स को ही हटा दें और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको ना हटाए तो ये इनफ नहीं होगा. तो दूसरा मेथड भी यूज करते हैं टू किल द कॉज ऑफ डिजीज, दैट इज पैथोजन. द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैथोजन. The most common method to kill the disease causing microbe is to use medicines that kills the microbes. We have to choose a specific drug that effectively work against that microbes and kill them. हमने पढ़ा था बहुत सारे different types के microbes होते हैं. Virus है, bacteria है, protozoans है, fungi है, अलग अलग microbes होते हैं अलग अलग disease को cause करने के लिए. और हर माइक्रोब्स को, हर पैथोजन की अपनी एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हर माइक्रोब्स की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, बायोकेमिकल पाथवे होता है. एक माइक्रोब का जो बायोकेमिकल पाथवे है वो दूसरे माइक्रोब से मैच नहीं करता. तो हम फंगी की जो डिजीज है उसके लिए जो मेडिसिन खा रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, या बैक्टीरियल डिजीज के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं वो हम वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरस से होने वाली डिजीज के लिए यूज नहीं कर सकते. तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग दवाइयां होती है, अलग अलग मेडिसिन होती है, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनका अपना एक पाथवे होता है. इसलिए मेडिसिन भी क्या होगी, अलग अलग होगी. बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली जो ड्रग्स यानी मेडिसिन है वो नॉर्मली ज्यादा होती है, बाजार में ज्यादा मिल जाती है. लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनसे मिलने, उनकी जो ड्रग्स होती है, उनकी जो मेडिसिन है वो बहुत कम पाई जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस के ऊपर एक डिबेट भी है कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा जाए कि नॉन लिविंग में. क्योंकि जब तक उसे कोई होस्ट नहीं मिलता, वो एनवायरमेंट में रहता आउटसाइड, तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है. लेकिन जैसे ही उसे किसी कोई होस्ट मिल जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाता है, तो वो लिविंग जैसा फंक्शन करने लग जाता है. वो किसी होस्ट की लाइफ साइकिल को, अपनी लाइफ साइकिल बना के पाथवे को यूज करने लग जाता है. तो वायरस की जो मेडिसिन है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोब्स. तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, पहला सिम्टम को रिड्यूस करके और दूसरा वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या पैथोजन को हटा के. In the next video, we are going to study principle of prevention. Thank you.